तो क्या आप लोग तैयार हैं कांकीनाडा गणेश उत्सव 2023 का एक और नया पूजा मंडप पंडाल देखने के लिए और गणपति बप्पा का मूर्ति देखने के लिए? तो स्क्रीन पे जो आप लोग अभी पंडाल देख रहे हैं, ये पंडाल मानिक पीर में दोस्तों बना हुआ है। और कौन सा पूजा मंडप इसको बनाई है, कौन सा क्लब बनाया है और इसके अंदर का डेकोरेशन क्या है, सारा चीज चलिए सिनेमेटिक सीन के जरिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर अंत में गणपति बप्पा का हम लोग मूर्ति देखेंगे जो कि ड्राई फ्रूट से बना हुआ है, काजू बादाम किशमिश ये सारा चीज का यूज करके, जो आप लोग सीधे अभी स्क्रीन पे गणपति बप्पा को देख रहे हैं। तो चलिए गणपति बप्पा का दर्शन करते हैं और अंत में क्लब के सारे सदस्यों को हम लोग इंटरव्यू लेंगे, बातचीत करेंगे और सारा जानकारी आप लोगों को जानने मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अरे तुम्हाला सणबण आवडतं पण आम्हाला आमच्या बापाचं आगमन आवडतं। सीधे सीधे जुड़ चुके हैं कांकीनाडा का जो जन मानिक पीर का जन सेवा समिति के सारे मेंबरों के साथ। इनसे हम लोग पहले बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि ये मंडप बनाने के पीछे इनका दिमाग आइडिया कहां से आया कि ऐसा मंडप हम लोग बना सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों। मेरा नाम है अमल राजा साहब। अमल राजा, तो ये आइडिया कहाँ से आया बनाने का? ये जो हमारी कमेटी है मानिक पीर जन सेवा समिति, उसके तरफ से ऑर्गेनाइज ये आइडिया आया है। इनके संचालक हैं विवेक साहू जी और राहुल प्रसाद साहू, और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, बच्चे लोग हैं, बड़े लोग हैं जो हमारे मार्गदर्शक करते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके ये कार्य किया गया। दूसरा क्वेश्चन यही रहेगा जो कि हर एक पूजा मंडप में यही दर्शकों का क्वेश्चन रहता है, आप लोगों का ये 5 दिन जो चलेगा पूजा, इस दिन तो एक दिन एक्स्ट्रा मिला है इस साल में, तो कोई स्पेशल प्रोग्राम फंक्शन ये तो नहीं किया गया है? ऐसा कोई प्रोग्राम जब होगा तो देखा जाएगा। ये हमारी तय कार्यक्रम में नहीं है, सूची में नहीं है। अभी जो हमारे बड़े कमेटी के जो सदस्य लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो यदि विचार करेंगे कुछ करना है तो किया जा सकता है। पूजा को लेकर कोई गाइडलाइंस जो बाकी के 4 दिन घूमने आएंगे दर्शनार्थी लोग उनके लिए? हाँ, थाने के तरफ से तो गाइडलाइन दी गई है जिसको हम लोग भरपूर पालन कर रहे हैं। अतः थाना का सहयोग भी है, भाटपाड़ा थाना का सहयोग भी है, और भी हमारे दर्शनार्थी हैं जो बहुत ही सुंदर तरीके से आ रहे हैं, हमारे मंडप में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे भव्य प्रतिमा को बहुत अच्छे तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारी प्रतिमा में काजू ड्राई फ्रूट का जो मैंने सामान है, मिश्रण है, उसमें है बादाम लगा हुआ है, बहुत सारा वैरायटी का है। हम लोग हर साल प्रत्येक वर्ष कुछ नया करने का कोशिश करते हैं। हमारा पंडाल हुआ, हमारा मूर्ति हुआ, जो भी है नया नया बदलाव आता है, नया भव्य तरीका से हम लोग मनाने का चेष्टा करते हैं शांतिपूर्वक। तो लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, विसर्जन को लेकर क्या प्लानिंग है, दर्शकों को क्या बोलना चाहते हैं? विसर्जन का लिए यही प्लानिंग है कि जो हमें पूजा कमेटी थाना से जो मैंने आदेश है उसी का पालन करते हुए हम लोग विसर्जन को माँ गंगा में विसर्जित करेंगे। मतलब दर्शकों का क्वेश्चन यही है कि विसर्जन में क्या कोई स्पेशल शोभा यात्रा या फिर नॉर्मल तरीके से? तो सस्पेंस में नहीं, सस्पेंस है। हाँ,
पर वो हम लोग जैसे सब कोई निकलता है शोभा यात्रा, हम लोग भी निकालते हैं। बात करके बहुत अच्छा लगा भैया से। अब इसी तरह हम लोग निकल पड़ते हैं कांकीनाड़ा के कोई और गली, कोई और मोहल्ला को विजिट करने, और वहाँ पर किस तरीके से गणपति बप्पा का उत्सव मनाया जा रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए चैनल पर बरकरार रहिए।